ओम ज्ञान तिम्रांधस्यो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामयम् ददाति स्वभदान्तिकम्। वंदे एम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम् सागर जातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तम सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतै देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों स्वागत है आपका, हार्दिक स्वागत है सत्संग समारोह गीता का चल रहा है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता आपको आपके हृदय में प्रेम भरती है, प्रेम से जीवन जीना सिखलाती है, शुद्ध कर्म करना सिखलाती है और परमानंद की ओर ले जाती है, परमेश्वर से मिलाती है। आइए तो आज के सत्संग में हम पिछली कड़ी को आज की कड़ी से जोड़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश अर्जुन को किए जा रहे हैं। अर्जुन एक भगवान का मित्र बना आत्मा है। जब हम भी भगवान के मित्र स्वरूप बन जाते हैं या उनकी दास स्वरूप बन जाते हैं तब भगवान हमको हमारे हृदय में आकर हमको भी इसी प्रकार से प्रेरणा देते हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को प्रेरणा मिल रही है, उनके दासों के दासों के दासों के मुखों से, भगवान के दासानुदासों से। ये पद्धति से चला आ रहा सनातन ज्ञान आज हम सबको इस सत्संग के माध्यम से सुनने को मिल रहा है। आइए इसका आनंद लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक 14 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं, अपने भक्तों की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन को कि मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किस तरह से अनन्य मन से, उनके मन में उनके हृदय में मेरे सिवा कोई और नहीं होता, एकमात्र मैं ही होता हूं। जहां भी उनकी दृष्टि जाती है मेरे दर्शन करते हैं, जहां भी वो कुछ कर्म करते हैं मेरे लिए करते हैं। इस प्रकार से 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में ये बातें आई थी। अभी उसी कड़ी में ये 14वां अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि सततम कीर्तियंतो माम ये जनाः पर्युपास्ते, सततम कीर्तन करते हैं मेरे शुद्ध भक्त, मेरी कीर्ति का गान करते हैं, मेरी कीर्ति को सम्मान करते हैं, मेरी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है क्योंकि मैं करता हूं एकमात्र सभी सृष्टि का सृजन का पालन पोषण का और प्रलय का भी मैं ही कारण हूं। तो मेरे शुद्ध भक्त इसको गहराई से समझते हैं और वो मेरी कीर्ति का गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी भजन गाते हैं, कभी नाचते हैं, नृत्य करते हैं, कभी मुझे धन्यवाद देते हैं, कभी गदगद हो जाते हैं मेरे प्रेम में, कभी भूमि पर गिरकर प्रणाम करने लगते हैं,
कोई मेरी सृष्टि को देख करके गदगद भाव में आ जाता है, उमड़ते हुए बादलों से बरसती हुई बरसात को देख करके भी मेरा भक्त भाव विभोर हो जाता है और मुझे बार बार धन्यवाद देने लगता है, भजन गाने लगता है मेरे, मुझे याद करता है, मुझे पुकारता है, मुझे मिलना चाहता है। ऐसे शुद्ध भक्त धन्य है, उन भक्तों के हृदय में दैवी गुण होते हैं। कहिए कि वो भक्त दैवी गुण संपन्न होते हैं, सारे दैवी गुण उनके हृदय में होते हैं, शुद्धता, पवित्रता, अभयता, दानवीरता, तमाम गुणों का वर्णन भगवान ने किया है। आगे चल करके भगवान कहते हैं वो सभी गुण मेरे शुद्ध भक्त के हृदय में होते हैं, दृढ़ता पूर्वक वो मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरा धाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, सदैव कीर्तन करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, सर्वत्र मुझे देखने लगते हैं। उनकी भावना शुद्ध होती है, शुद्ध भावना के कारण वो तमाम गुण उनके अंदर पूरित होते हैं, भरे होते हैं, जो दैवी गुण हैं। वो जागृत अवस्था में होते हैं, वो चैतन्य अवस्था में होते हैं। नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक मुझे वो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, गदगद हृदय से, प्रसन्न हृदय से भगवान को प्रणाम करते हैं। उदय होते हुए सूर्य को देखकर मेरी याद करते हैं, प्रणाम करते हैं सूर्य को, चंद्र को प्रणाम करते हैं, भूमि को प्रणाम करते हैं, फूलों को प्रणाम करते हैं, पेड़ों को आलिंगन करके क्रंदन करते हैं और आभास करते हैं कि वो मुझसे मिल रहे हैं, मेरे गले लग रहे हैं। पागल हाथी की तरह उन्मत्त होते हैं मेरे शुद्ध भक्त, भूमि पर गिरकर लोटपोट होने लगते हैं, मेरे प्रेम में पागल होते हैं, मुझे भक्ति से प्रणाम करते हैं। नमस्यन्त्यश्च माम भक्त्या, नित्य युक्ता उपास्ति, और नित्य युक्त होकर मेरी सेवा में नियुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, मुझे प्रसन्न करते हैं, कभी फल चढ़ाते हैं, कभी जल चढ़ाते हैं, कभी मुझे श्रृंगार करते हैं, कभी मेरे श्री विग्रह को चंदन लगाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, सुंदर 56 व्यंजन तैयार करके मुझे अर्पण करते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं। भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त जो मुझे नित्य युक्त होकर उपासते हैं, मेरी उपासना करते हैं, ये मेरे शुद्ध भक्त हैं। वो भी मेरे ये भक्त हैं जो ज्ञान यज्ञ से मुझे पूछते हैं, उनके अंदर ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, और ज्ञान और भी ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान का दान भी करते हैं दूसरों को, खुद के अंदर ज्ञान विज्ञान होता है, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, खुद स्वयं और दूसरों को भी ज्ञान बांटते हैं। कोई मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूछता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, कोई गुरुवाणी पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, ज्ञान यज्ञ से मुझे पूछते हैं। कोई मेरा जप करता है, कोई नाम कीर्तन करता है, विभिन्न पद्धतियों से मुझे रिझाने की, मुझे प्रसन्न करने की मेरे विभिन्न प्रकार के भक्त प्रयास करते हैं। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्नी यजन तो माम उपासते, कोई कोई हवन यज्ञ करके मुझे प्रसन्न करते हैं, कोई कोई गुरुवाणी ग्रंथ साहब का पाठ करके मुझे प्रसन्न करते हैं, विभिन्न मार्गों से मुझे प्रसन्न करने के करते हैं परमेश्वर की
ये कहना है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ये विश्व में, ये अनंत ब्रह्मांडों में अनंत प्रकार की पद्धतियां हैं, अनेक प्रकार के भक्त हैं भगवान के, अनेक प्रकार के उपायों से वो भक्त लोग, वो ज्ञानी लोग, वो ध्यानी लोग, वो हठ योगी कर्म योगी सभी भगवान को विभिन्न मार्गों से प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं। ये बात भगवान को कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। विभिन्न पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियां भगवान को प्रसन्न करती हैं। कोई हौले करती है, कोई धीरे करती है, कोई शीघ्रता से करती है, कोई अति प्रसन्न कर लेती है। जैसे भगवान ने कहा, एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति, जो कोई प्रेम के साथ मेरा शुद्ध भक्त मुझे एक पत्ता भी अर्पण करता है, तुलसी का हो या कोई घास का भी पत्ता हो, श्रद्धा और प्रेम जिसकी अर्पण करने में भरा है, भगवान कहते हैं कि वो मैं स्वीकार करता हूं, वो मैं ग्रहण करता हूं। जो मुझे इतनी भीलनी ने क्या किया था, भीलनी ने झूठे बेर राम को खिलाए थे, लेकिन झूठे बेर, झूठे बेर आप खाएंगे किसी के? भाई भाई के झूठे नहीं खाता, भीलनी के झूठे बेर खा रहे हैं श्री राम, भगवान के अवतार है, स्वयं नारायण विष्णु के अवतार है। लेनो बेरों में प्रेम भरा था इसलिए तो खा रहे, और तो कोई बात नहीं थी, प्रेम के कारण झूठे बेर खा रहे हैं। तो प्रेम के कारण क्या आपका अर्पण किया हुआ पत्र या पुष्प या कोई फल या कोई जल, जो भी कुछ प्रेम से आप अर्पण करो, अवश्य भगवान कहते अस्नामी प्रियतात्मना, मैं अपने प्रिय भक्तों के हाथों से उसको ग्रहण करता हूं, खाता हूं। चाहे कहीं भी अर्पण करें, पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, देव लोक में, तल वितल सुतल में, या तप जन मह लोक में, या ब्रह्म लोक में, या अनंत ब्रह्मांडों में, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी कोई अर्पण करे, किसी को भी किसी भी जगह स्थान पर मुझे अर्पण करे, मुझे अर्पण करता है, उसे मैं खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। यदि इतनी प्रसन्नता भगवान के अंदर प्रकट होती है आपके पत्र पुष्प फल जल अर्पण करने से, तो आप चूकिए नहीं, आप श्रद्धा और भक्ति से प्रेम से भगवान को कभी आप जल अर्पण कीजिए, फल अर्पण कीजिए। भगवान सर्वत्र हैं, उनकी मूर्ति के आगे अर्पण कीजिए तो उनको ग्रहण हो जाता है। किसी दूसरी जगह भी किसी मनुष्य को भी अर्पण करते हैं, किसी जानवर को भी अर्पण करते हैं, किसी पक्षी को भी अर्पण करते हैं, और ये समझ करके कि इनके हृदय में भगवान साक्षात मुरली बजा रहे हैं, बैठे हैं, विराजमान हैं, तो उनके माध्यम से भी वो स्वीकार कर लेते हैं, उनको अर्पण कीजिए। जहां आपका भाव प्रकट हो जाए वहीं आपके भगवान प्रकट होते हैं। आपका भाव अगर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रकट होता है तो मूर्ति में भी प्रकट हो जाते हैं, और आपका दिया हुआ स्वीकार करते हैं, खाते। नामदेव महाराज की बड़ी सुंदर कथा है, नामदेव महाराज नहीं, ये एकनाथ महाराज महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में बड़े संतों में नाम है एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज संत नहीं बने, उससे पहले ग्रामीण मनुष्य थे, सारे ग्राम के एक मिलकर के कुछ टोला बना करके गंगा जल लेने के लिए बद्रीनारायण गए, बद्रीनारायण से ऊपर गंगोत्री यमुनोत्री हैं, तो गंगोत्री से कलशों में जल भरा कावड़ के अंदर, एक कलसा आगे एक पीछे, सब लोग नंगे पांव गए हैं, यात्रा करते करते 6 महीने में जाके पहुंचे हैं और वापस उतर के चले आ रहे हैं। वो गंगा जल से रामेश्वर के, भगवान रामेश्वर जो साउथ इंडिया में है मैड्रास में, जहाँ श्री रामचंद्र भगवान ने रामेश्वर भगवान शंकर की स्थापना की है, वो शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए उस जल को ले जा रहे हैं। मार्ग
में राजस्थान आता है, रेगिस्तान आता है, तो रेगिस्तान की जेठ के महीने की धूप में वो टोला कावड़ों में जल लेके छांव, पेड़ की छांव में बैठता है, फिर आगे चलता है, चला जा रहा है। रेगिस्तान के अंदर दोपहर का वक्त था, एक गधा तड़पता हुआ दिखाई दिया। सभी लोगों ने देखा, उनमें से एकनाथ महाराज अपनी कावड़ को, अपने जल कलशों को नीचे जमीन पर टिका करके और गधे के नजदीक गए। गधे की अवस्था तो अब मरा हो रही है, छटपटा रहा है चारों टांग हाथ पांव से। नामदेव एकनाथ महाराज समझ गए कि ये प्यासा है, प्यास से दम तोड़ रहा है, रेगिस्तान है, दूर दूर पानी नहीं है यहां। वो अपने कलसे की ओर दौड़े और कलसा उठाया, कलसा लेके आए और गधे के मुंह में टपकाने लगे पानी, तो गधे ने मुंह खोल दिया और पानी गटकने लगा, सारा कलसा पानी पी गया, गंगा जल। लेकिन एकनाथ महाराज सोच रहे कि अभी ये प्यासा है, पूरी तरह से पानी, उन्होंने दूसरा कलसा उठाया और दूसरा कलसा भी गधे को पिला दिया, दोनों कलसे खाली हो गए। एकनाथ महाराज बड़े खुश हो गए। लेकिन यहां एक घटना घट गई, गधे ने दोनों कलसे गंगा जल पिया, लेकिन पीने के बाद में गधा आंख खोल करके और देख रहा है एकनाथ महाराज के नेत्रों में, और एकनाथ महाराज गधे के नेत्रों में देख रहा है। एकनाथ महाराज को गधे के नेत्रों में साक्षात परमेश्वर दिखाई दिए। एकनाथ महाराज पुलकित हो गए कि भगवान, आपको मैंने जल पिलाया है, आपने मेरा जल ग्रहण किया है, मैं धन्य हो गया। एकनाथ महाराज को बहुत खुशी हुई जब गधा खड़ा हो गया, प्रसन्न हो गया, अपने मार्ग पर चलने लगा। लेकिन एकनाथ महाराज के साथ जो टोला चल रहा था दूसरे भक्तों का, उन्होंने बहुत एकनाथ महाराज को उल्टा सीधा सुनाया, गाली तक निकाली कि अरे मूर्ख बेवकूफ, ये तुमने क्या किया, हम इतना लंबा मार्ग तय करके 6 महीने से भी अधिक यात्रा करके ये जल लेकर आ रहे थे, शंकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं मद्रास की ओर, रामेश्वर को जल चढ़ाना है, तुमने गधे को क्यों पिला दिया। लेकिन एकनाथ महाराज ने बहुत सुंदर, क्योंकि एकनाथ महाराज को ज्ञान उदय हो गया, उन्होंने बड़े नम्र शब्दों में कहा कि मेरे भाइयों मेरी गलती क्षमा कर दो, लेकिन मैंने जो कुछ किया है मैंने अच्छा किया है। अरे क्या खाक अच्छा किया है, गधे को जल पिला दिया गंगा जल। हां मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो भगवान रामेश्वर को जल पिलाया है और मेरे जल वो पी गए, दोनों कल से पी गए, बड़े प्रेम से पी गए, और देखो वो जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ चल के क्या करूंगा मद्रास, आप जाइए, मेरे तो कल से खाली है और मैं भगवान को जल पिला चुका, चढ़ा चुका, आप जाइए। उसी दिन से एकनाथ महाराज बड़े वैरागी उदासी बन गए और बड़े संतों में उनका नाम आता है। भगवान के दर्शन सब जगह हैं, आपकी भावना कहां प्रकट होती है, कहां शुद्ध, कितनी शुद्ध है, उसी हिसाब से आपको दर्शन होते हैं। सारा खेल है आपकी भावना को शुद्ध करने का, प्योरीफाई योर कॉन्शियसनेस। भगवान कहते हैं कि अलग अलग पद्धतियों से लोग मुझे प्रसन्न करते हैं, लेकिन सारी पद्धतियों में भगवान ने कहा है भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति भक्त मुझे बहुत शीघ्रता से प्रसन्न